भैया रुको, भैया भैया ऑटो खाली है, भैया आपका ऑटो खाली है। मुझे लिफ्ट नीचे, मैं खुद आ जाऊंगी। थैंक यू। ऑटो ऑटो, दादा आप सॉरी बोल रहे हैं? चलो अच्छा हुआ कि आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। वैसे मैं ही पागल थी जो बेवजह आपसे उलझ पड़ी। एक्चुअली मुझे तो ये सारा काम ना पापा पे छोड़ देना चाहिए था, वही आपको आपकी गलती का एहसास करा था। और देखिए ना, बिल्कुल वैसा ही हुआ। शिवरात्रि की पूजा के बाद आपको यह एहसास हो गया कि आई पापा को अलग करने की आपकी कोशिश गलत थी। पूर्वी, मैं अपनी कोशिश को गलती नहीं मानता, और रही बात पूजा में ना बैठने की, तो मैं जानता हूं ये सब तुम्हारी चाल थी। कल मैंने ऑफिस का रजिस्टर चेक किया और कल ऑफिस में सिर्फ तुम आई थी। तो ये बहुत ऑब्वियस हुआ ना कि कॉन्ट्रैक्ट्स के पेपर तुमने जानबूझकर मिसप्लेस किए थे। एक कोशिश आपने करी तो एक कोशिश मैंने भी करी, सब बराबर। हाँ, अफसोस इस बात का है कि दोनों बार आप हार गए और आई बाबा एक साथ पूजा में बैठे। पूजा में एक साथ बैठने का मतलब ये नहीं कि वो दोनों एक हो जाएंगे। उन्हें एक करने ना करने वाले हम कौन होते हैं दादा? ये अधिकार तो सिर्फ शिव जी का है। और मैं जानती हूँ कल शिवरात्रि की पूजा में शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद तो जरूर दिया होगा। अब बस ये देखना है उन्हें क्या आशीर्वाद दिया है, क्योंकि ये हमारे साथ साथ उनकी भी परीक्षा है। और हाँ दादा, कल वो जो यहाँ 4 घंटे बैठ के आपको कॉन्ट्रैक्ट रेडी करना पड़ा ना, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स मैंने ही जलाए थे, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे सचिन दादा वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज आसानी से बना लेंगे। ऑफिस यहां से 2 मिनट की दूरी पर है। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को एक साथ देखकर लोग तरह तरह की बातें करें, खास करके उस रिश्ते के बारे में जो ऐसे भी 6 महीने बाद टूटने वाला है। आगे चलकर मुझे इन्हीं लोगों के साथ काम करना है और मैं यहां का बॉस भी हूं, सो मुझे कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। थैंक यू। हाँ वैशु। ताई आई एम सो सॉरी, पता है किसी के जरूरी काम से मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा तो मैं शिवरात्रि की पूजा में नहीं आ पाई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बोल। अच्छा ताई, पूर्वी ने मुझे बताया कि तू और जीजू पूजा में एक साथ बैठे थे और एक साथ
आरती भी की थी तुम दोनों ने? हाँ वैशु, लोगों को दिखाने के लिए हमें ये सारी झूठी चीजें करनी पड़ी। लेकिन भले ही हमारा रिश्ता झूठा, लेकिन पूजा एकदम सच्ची थी। और जीजू, उन्हें कैसा लगा? पता नहीं, शायद वो खुश नहीं थे। ताई, 18 साल का फासला तय करना है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, तो चिंता मत कर। और वैसे भी उस घर में तेरा आज दूसरा दिन शुरू हुआ है। मैं शिव जी से प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों के बीच के सारे गिले शिकवे दूर हो जाए। अच्छा सुन, मुझे तुझसे एक काम था। वैसे तो एक काम कर रहा, जब तक मैं यहाँ रह रही हूँ ना, तू प्लीज आई के वहाँ जाकर आई के साथ रह जा। तुझे पता है ना, आई को अस्थमा है, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई तो। इसलिए मैं चाहती हूँ तू वहाँ रहे। पूर्वी दिन मेरे ऑफिस रहती है तो वो अकेली रहती है, तू वहाँ रहेगी ना जाकर? ठीक है ताई, तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। वैसे भी धर्मेश इंडिया से बाहर गया हुआ है, मैं और अनिकेत कुछ दिनों के लिए आई के यहाँ रह लेंगे। ठीक है? ठीक है, थैंक यू, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है। मॉर्निंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। इस वक्त ऑनलाइन? मैंने सोचा फोन पे तो तुमसे बात होती रहती है, आज तुम्हारी शक्ल भी देख लें। How are you doing? डैड, मैं एकदम ठीक हूँ, और यहाँ का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। परांदे भी अच्छा चलेगा। अर्जुन, कल महाशिवरात्रि के दिन मैंने तुम्हारी तरक्की के लिए प्रार्थना की। थैंक्स डैड। डैड वैसे मैंने भी प्रार्थना की। What? हाँ, वो कल महाशिवरात्रि थी ना, तो रात में मंदिर गया था पूजा करने। Really? एक मिनट, क्या तुम वही कह रहे हो जो मैं सुन रहा हूँ? तुम मंदिर गए थे? हाँ डैड, मंदिर गया था। क्यों? Can't believe it. कैसे हुआ ये? कौन ले गया तुम्हें मंदिर? डैड वो एक एम्प्लॉय के साथ गया था। और वो सब छोड़िए, आप इतना हैरान क्यों है? I don't get it. मुझे यकीन सा नहीं हो रहा। शक्ल तो मेरे बेटे अर्जुन जैसी है, लेकिन ये बातें कुछ। Come on, seriously. I'm very happy, अर्जुन. तुम्हारी माँ आशना अगर यहाँ होती तो वो भी बहुत खुश होती। अगर वो होती तो मैं इतना सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उसके संस्कार ही ऐसे थे। डैड, आपने भी जो मुझे संस्कार दिए वो बहुत अच्छे हैं डैड। And I'm proud to have a father like you, Dad. I'm also very proud of you, बेटे। अच्छा ये बताओ, ये ऐसा कौन सा एम्प्लॉई है जो तुमको मंदिर में लेके गया? है एक एम्प्लॉई डैड, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसकी वजह से उसका जिक्र किया। राहुल का देख के लगता है किसी अस्पताल से है। देखिए, मेरा मलेरिया बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना है, अब आप जा सकते हैं। अरे दरवाजा खोल। अरे इसे मत करो। ओ, तो इसे मलेरिया हुआ है?
ये वही वो मोटा वो यू माइंड योर टंग ओह माय गॉड मैंने इससे बात कर ली अब मुझे भी इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा अरे नहीं कुछ नहीं होगा हाँ जी वैसे कुछ भी कहो ये है फुल ऑन एंटरटेनमेंट चैनल अच्छा मुझे बता कि तेरी आई कहाँ है आई आई भी आई है ना आई मैं यहाँ हूँ रिक्शा वाले को पैसे चल चल अंदर चल आजा चलो अंदर चलो तुम दोनों आजा मेरे लड्डू ये बैग यहाँ रख दे और मुझे बता कि हमारे लड्डू को क्या हुआ ये ऐसे क्यों लगा रखा है मुंह में आजा आया हुआ तुमसे कितनी बार कहा ऐसे मुंह खोल खोल के मत हंसा करो सारे जर्म्स अंदर चले जाएंगे तो बीमार पड़ जाओगे इसके क्लोज योर माउथ जस्ट माय ओके एंड आज ही बाय द वे मुझे इस घर में आने से पहले ही पता था कि इस घर में मलेरिया है इसलिए मैं तो आने वाला ही नहीं था लेकिन इनकी वजह से आना पड़ा इसलिए मास्क पहन के आया हुआ बट आई थिंक अब इस मास्क से भी कुछ नहीं होने वाला क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो आपने मास्क नीचे किया था तब इस पागल लड़की के सारे जर्म्स मेरे अंदर आ गए होंगे और मैं बीमार हो जाऊंगा अरे ऐसा कुछ नहीं होगा तू बैठ जाना आराम से थैंक यू यहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है सब अच्छा मलेरिया इन्फेक्टेड हाउस नो ये क्या मलेरिया लगा रखा है मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलेरिया तो इतना जरा सा रुमाल क्यों लाया चादर लेके आता ना अरे वो भी डबल बेडशीट की क्योंकि सिंगल बेडशीट में तो तू फिट आता नहीं शट अप ओके ठीक है मैं मानता हूँ कि तुम मलेरिया से रिकवर कर गई लेकिन जितने भी पेशेंट्स मलेरिया से रिकवर कर जाते उनके आसपास तब भी मलेरिया के जर्म्स रहते एंड दैट रिमाइंड्स मी आजी तुमने घर की साफ सफाई तो कराई थी ना ये वो स्प्रे साफ सफाई की टेंशन मत ले तू टेंशन ले अपने इस वेट की समझा आई आई की तरफ क्या देख रहा है आई तो उस दिन भी मेरे साथ थी और आज भी मेरे साथ है इसलिए मेरी तरफ देख के बात कर आई ये वही लड़की है ना जो पुन्नी की सगाई में मिली थी हाँ ये वही है तेज ये कनाडा से आई है हमारे चौल में रहती है कुछ दिन पहले इसे मलेरिया हुआ था तो मैंने और अर्जुन ने सोचा कि इसे हमारे घर रखते हैं और इसका ख्याल रखते हैं बहुत अच्छा किया आजी वैसे ये फ्री में रह रही होगी ना अनिकेत ये हमारी मेहमान है ना मेहमानों के साथ इस तरह पेश नहीं आते हाँ बीमार मेहमान अच्छा जाओ लड्डू जाओ अंदर जाकर आराम करो जाओ चल सामान उठा हाँ उठा रहा हूँ तुम छूना ही मत वो कौन लेगा अच्छा हुआ लड्डू को लेकर घर आई मुझे बहुत अच्छा लगा ये तेज इतनी अच्छी लड़की है ना पता है मुझे रेंट देने की बात कर रही थी मैंने कहा नहीं नहीं जैसे हमारी पूर्वी वैसे तू गुड मॉर्निंग आंटी गुड मॉर्निंग विनय कैसे हो मैं ठीक हूँ शिवरात्रि की पूजा कैसी रही हाँ बहुत अच्छी रही आंटी मुझे आपसे एक परमिशन चाहिए थी बोलो एक्चुअली आंटी मैंने आपका नंबर अपनी आई को दिया है वो आपसे कुछ जरूरी बात कहना चाहती है अगर आपको कोई एतराज ना हो तो वो अरे नहीं नहीं कोई एतराज वाली बात ही नहीं है लेकिन क्या काम था आई को वो आपको फोन पर ही बता देगी अच्छा मैं चलता हूँ हेलो हेलो अर्चना ताई नमस्कार मैं विनय की आई बोल रही हूँ अरे नमस्कार मुझे अभी विनय ने बताया कि आपको मुझसे कुछ बात करनी थी कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया अगर आप बिजी हो तो मैं बाद में फोन करूंगी नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कहिए ना वो बात ये है ना कि कल ही हमें विनय ने बताया कि वो पूर्वी से मतलब अर्चना ताई सीधी सी बात है हम हमारे विनय के लिए आपसे पूर्वी का हाथ मांगना चाहते हैं पूर्वी का हाथ अर्चना ताई विनय पूर्वी को बहुत पसंद करता है पूर्वी के बारे में उसने हमें सब कुछ बताया बस अब
आगे बढ़ने से पहले वो जानना चाहता है कि इस रिश्ते को आपकी सम्मति है ना? देखिए, सच कहूँ तो विनय बहुत अच्छा लड़का है और उसमें ऐसी कोई कमी नहीं जिसके लिए हम उसे मना करें, लेकिन मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकती। दरअसल मैंने पूर्वी को हर चीज की आजादी दी और मैं चाहती हूँ कि इतना बड़ा अपनी जिंदगी का फैसला पूर्वी खुद करे, तो मुझे एक बार उससे बात करनी होगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ठीक है, पहले उसकी राय जरूरी है क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल है। आप एक काम कीजिए, आप पूर्वी से बात कर लीजिए और उसकी जो भी राय हो हमें बता दीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, बाय बाय। मेरी पूर्वी इतनी जल्द इतनी बड़ी हो गई। अभी कुछ साल पहले तो वो मेरी जिंदगी में आई थी और अब वक्त कितनी तेजी से आगे बढ़ जाता है। हेलो आई, आई तू घर पर है? अगर भाई, क्या हमारी पूर्वी के लिए रिश्ता है? हाँ, ये पूर्वी के लिए रिश्ता है। आई, तुझे ये बात बताने के लिए भी कितनी उतावली थी, तुझे पता है? मुझे लग रहा था कब तुझसे मिलती हूँ और कब तुझे ये बात बताती हूँ। कौन है वो लड़का? आई, वो विनय करके पूर्वी के साथ ऑफिस में ही काम करता है। शायद मैं उसे जानती हूँ। जब पूर्वी की तबीयत खराब थी तो उसे घर छोड़ने के लिए आया था, वही ना? वो तो बड़ा ही अच्छा और संस्कारी लड़का है। अर्चू, क्या? अरे अभी तो सिर्फ रिश्ते की बात चल रही है तो तुम्हारी ये हालत, आगे क्या होगा? आई, चिंता तो होगी ना। आई, पूर्वी को आज तक जो खुशियां मिलनी चाहिए थी उसे कभी वो खुशियां नहीं मिली। अब ऐसा लगता है कि जो भी उसकी जिंदगी में लड़का है उसे बहुत सारी खुशियां दे। उसकी शादीशुदा जिंदगी में कभी वो सारी प्रॉब्लम ना हो, जो बस उसे उसे ससुराल में इतना प्यार मिले कि उसे कभी हमारी याद ही ना है। अर्चू, ऐसा क्यों कह रही है? अरे तूने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया? तूने उसे पढ़ाया लिखाया, इतने अच्छे संस्कार दिए, तभी तो उसके लिए इतना अच्छा लड़का आया है ना। बेटा, तुझे तो खुश होना चाहिए। और इसी बात पे गर्मा गर्म चाय हो जाए। चाय 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 चाय। तूने बनाई तेज चाय? वो क्या है ना, मैंने दूर से देखा कि आप दोनों बहुत सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप दोनों को डिस्टर्ब ना करते हुए मैंने सोचा आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई जाए। अब इस चाय को पीने के बाद आप दोनों का मूड तो डेफिनेटली चेंज होने वाला है। पीजिए पीजिए और बताइए ना कैसी बनी है। वाह तेज, तुमने चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है। वैसे इसका क्रेडिट ना आज ही को जाता है, बस इन्हीं से थोड़ा बहुत कुछ सीख रही हूँ। अच्छा है ना, अब मेहमान आएंगे ना तो चाय बनाने की जिम्मेदारी इसकी। बिल्कुल, लेकिन आ कौन रहा है? आई आई, क्या हुआ? तूने मुझे ऑफिस से अचानक क्यों बुलाया? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे तेज, जरा अंदर चल, मुझे अलमारी में कपड़े रखने के लिए मदद कर। चल। हाँ ठीक है, लेकिन अभी आप कह रही थी ना कोई आने वाला है। हाँ हाँ, कह रही थी, तुझे अंदर तो चल, मैं बताती हूँ। चल। लेकिन आप बोल रहे। पूर्वी तो आप बैठना। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। किस बारे में आई? मुझे एक बात बता कि वो विनय, तुझे विनय कैसा लगता है? अपना विनय? हाँ। अच्छा लड़का है आई, अर्जुन सर के दिए हुए काम में उसने मेरी बहुत हेल्प करी थी। एक सेकेंड, मगर तू ऐसे क्यों पूछ रही है विनय के बारे में? हाँ पूर्वी, दरअसल बात यह है कि आज विनय की आई का फोन आया था, वो तेरा हाथ मांग रही थी विनय के लिए।